नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, गुरुदेव अगर तीसरे भाव में हो तो वो यहाँ पे बैठ के वो आपको किस तरह के परिणाम देंगे। यानी गुरु की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में आपको किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए सभी लग्नों के अंदर बता रहा हूं कि गुरुदेव यहाँ पे कैसे परिणाम देंगे। तो दोस्तों आसानी से समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं ताकि आपको वीडियो और आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए गुरु जो होते हैं, ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, धर्म के कारक, पुत्र के कारक, विवाहिक जीवन के कारक, धन समृद्ध के कारक होते हैं। अब जो तीसरा भाव होता है वहां पे वो कैसे परिणाम देंगे, तो गुरुदेव यहाँ पे बैठे यहाँ के तो परिणाम देंगे ही देंगे, बल्कि उनकी तीन दृष्टि होती है, पांचवी सातवीं और नौवीं, पांचवी सातवीं और नौवीं, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि। यानी अगर वो तीसरे भाव पे बैठे हैं तो पहली दृष्टि जाएगी सातवें भाव पे, भाग्य भाव पे और लाभ भाव पे। तो देखिए तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम भाव माना जाता है, पराक्रम का, साथ साथ परिश्रम का, फिजूल टेंशन का, फिजूल की यात्रा का, मानसिक संतुलन का, आपस में एक दूसरे के बीच में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसका, साथ साथ छोटे भाई बहनों का। अब तीसरा भाव आपने समझ लीजिए, अब सातवें भाव को आप समझ लीजिए। सातवां भाव वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, पार्टनरशिप में साझेदारी और उसके साथ साथ जो डेली की आपकी इनकम होती है, सातवां भाव। अब नौवां भाव कुंडली का अत्यंत महत्वपूर्ण भाव, नौवां भाव जिसे भाग्य भाव माना जाता है। यहाँ पे कोई अपनी दृष्टि डाल दे, शुभ दृष्टि डाल दे या खुद यहाँ पे शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। तो यहाँ पे अगर गुरुदेव कारक हैं तो तीसरे भाव के अच्छे रिजल्ट देंगे, सातवें भाव के अच्छे रिजल्ट देंगे, नौवें भाव के अच्छे रिजल्ट देंगे, ग्यारहवें भाव के भी अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके विपरीत अगर खराब है तो तीसरे भाव के साथ साथ जहां उनकी दृष्टि डाल रही है इन भाव को भी वो खराब कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर उनकी दृष्टि डली तो ये होता है भाग्य भाव का, धर्म का, पिता का और विदेश यात्रा का। ग्यारहवां होता है लाभ का, बिजनेस के अंदर जो लाभ कमाएंगे आप वो हम देखेंगे ग्यारहवें भाव से, या नौकरी से जो आपको लाभ मिलेगा ग्यारहवें भाव से, आपकी जो इच्छा होगी उसकी पूर्ति होगी नहीं होगी ग्यारहवां भाव, बड़े भाई बहन और साथ ही साथ आपके मित्र ग्यारहवां भाव। तो देखिए अब मैं बताता हूं गुरुदेव यहाँ पे बैठ के आपको अच्छा फल देंगे या नहीं। तो देखिए दोस्तों तीसरा जो भाव होता है उसको बहुत अच्छा भाव तो नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे बैठ के कोई भी ग्रह जातक को संघर्ष कराता है और थोड़ी कामों में डिले करता है। पर अगर यहाँ पे कोई ग्रह मारक हो तो जातक को संघर्ष करेंगे, फिजूल में जातक फंसा रहेगा और उसके बाद भी जातक को कभी संतुष्टि नहीं होगी, बहुत मेहनत के बाद भी जब भी जातक को भाग्य का साथ नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी सातवीं दृष्टि जाएगी भाग्य पे। पर यहाँ पे अगर मारक ग्रह ना हो के कारक ग्रह है तो जातक को थोड़ा संघर्ष तो जरूर करने को मिलेगा, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकता कि यहां पे बैठ के गुरुदेव आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो वो देंगे, अब आप समझिए गुरुदेव यहां पे अच्छे कैसे होंगे। तो देखिए अगर लगन में 1 3 4 5 6 9 12 ये नंबर लिखे हैं, इसका मतलब लगन में अगर एक लिखा है यानी पहले भाव में एक लिखा है यानी मेष लगन की कुंडली है, 3 लिखा है मिथुन लगन की कुंडली है, 4 लिखा है कर्क राशि या कर्क लगन की कुंडली है, 5 लिखा है सिंह राशि या सिंह लगन की कुंडली है, 6 लिखा है कन्या राशि या कन्या लगन की कुंडली है, 9 लिखा है यानी धनु लगन की कुंडली है, 12 लिखा है मीन लगन की कुंडली है और गुरुदेव यहां पर बैठे हैं। तो ऐसे में गुरुदेव यहाँ पे कारक होके बैठे हैं तो जातक को यहाँ पे अच्छा फल देंगे। तो कैसा? संघर्ष तो जरूर कराएंगे, फिजूल की टेंशन भी देंगे, पर जातक बहुत पराक्रमी होगा, उसकी राइटिंग बहुत सुंदर होगी, जातक का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा, छोटे भाई बहनों का फायदा मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे, जातक को दृष्टि डालने हैं विवाहिक जीवन का जातक का बहुत अच्छा हो सकता है, विवाहिक जीवन में विवाह थोड़ा लेट हो पर विवाहिक जीवन जातक का अच्छा हो सकता है, कि विवाह के बाद जातक के थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा करना पड़ जाए पर विवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं,
जातक की थोड़ा संघर्ष करने के बाद उसकी डेली की इनकम भी अच्छी जनरेट होगी, जातक का विवाहिक जीवन अच्छा और साझेदारी भी बिजनेस के अंदर अच्छी। नवम भाव पे दृष्टि, तो गुरुदेव यहां से भाग्य भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, थोड़ा परिश्रम करा के थोड़ा पराक्रम करने के बाद जातक को भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, धर्म को मानने वाला होगा। छोटी यात्रा, लोकल यात्रा और बड़ी यात्रा भी गुरु की दशा त्रयोदशा में उसे देखने को मिलेगी। जातक की जो इच्छा पूर्ति होगी थोड़े टाइम बाद, थोड़ा परिश्रम करने के बाद, वो भी जरूर पूरी होगी। बड़े भाई बहनों से और मित्रों से अच्छा फल मिलेगा, उनके साथ संबंध अच्छे होंगे। तो दोस्तों गुरुदेव यहां पे बैठ के आपको इस तरह के फल देंगे। अब आप एक सोच सकते हैं कि जो आठ है वृश्चिक लग्न के अंदर गुरुदेव अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहां पे आठ होगा तो नौ दूसरे भाव में होगा, तो धनेश हो गए, फिर दस ग्यारह बारह और त्रिकोण के भी स्वामी हो गए, तो दो अच्छे भाव मिलने के बाद गुरुदेव यहां पे अच्छे क्यों नहीं है इस लग्न के अंदर, क्योंकि अगर यहां पे आठ होगा, यहां पे नौ होगा और यहां पे दस होगा, मकर लग्न के अंदर गुरुदेव नीच के हो जाते हैं, तो कोई भी फल, कोई भी ग्रह नीच का अच्छा फल नहीं देता। तो इसी वजह से वृश्चिक लग्न के अंदर भी गुरुदेव अच्छा फल नहीं देंगे अगर वो तीसरे भाव में बैठे हैं। इसके विपरीत जितनी राशि बची, दो सात आठ दस ग्यारह, इनमें गुरुदेव बहुत अच्छा फल नहीं देते, खास तौर से अगर वो नीच के हैं तो, यानी अगर वृश्चिक लग्न है गुरुदेव यहां पे बैठे हैं तो गुरुदेव अपने खराब फल देंगे। तो कैसे, छोटे भाई बहनों से झगड़ा हो जाएगा, जातक को पराक्रम करने के बाद सफलता नहीं, भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए उतना नहीं, पैतृक संपत्ति में जातक को दिक्कत हो सकती है, पिता के साथ जातक को लाभ इतना अच्छा नहीं, जातक की जो इच्छा होगी, इच्छा तो हो जाएगी पर उसकी पूर्ति नहीं होगी, वैवाहिक जीवन के अंदर जातक के मतभेद हो सकते हैं, तो जातक को इस तरह का फल मिलेगा। तो गुरु को प्रबल करने के लिए कभी भी आप गुरुदेव का रतन यानी पुखराज कभी धारण न करें, बल्कि सिर्फ उनका, उनके गुरु को मजबूत करने के लिए आप बीज मंत्र करिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।